ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଯୋଗ ଦିବସ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦେଶରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା କେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍କରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ବି ଯୋଗାସନ କରାଯାଉଛି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି हम सबके सामूहिक प्रयासों से कोविड के खिलाफ दूसरी वेव में हमारी लड़ाई उसमें धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन हमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी है अगर हमने लापरवाही की हमने अगर दोबारा से रिलैक्स होने की कोशिश की अगर हमने फिर से वही भीड़ भड़क्का और उसी प्रकार का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नॉन सीरियसली लेने का प्रयास किया तो हमारे को फिर से तकलीफ हो सकती है फिर से बड़े मात्रा के अंदर कोविड के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं आज के इस सातवें योग दिन के उपलक्ष्य में मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि रोज नियमित रूप से योगासन करें प्राणायाम करें सूर्य नमस्कार करें जो भी जिस प्रकार का योग्य ट्रेनर के अलावा शिक्षक के द्वारा जो सिखाया जाएगा उसका अनुकरण करेंगे योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है और कोरोना काल में जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया इसकी उपयोगिता सांस क्रिया शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है।